क्या नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम जेली तामिन है और मैं अरुणाचल प्रदेश ईटानगर से हूँ सर। ओके, आपके बारे में जान लेते हैं कि आप आते कहाँ से, आपकी हिस्ट्री क्या है। सर एक्चुअली मैं अरुणाचल में बहुत सारे मूवीज में, जो हमारे यहाँ अरुणाचल में बनते हैं मूवीज में, बहुत सारे अरुणाचल में एक रियलिटी शो होती है स्टेट लेवल की, वहाँ पे सर मैं जज भी हूँ। अरे क्या बात, जो के यहाँ पे कंटेस्टेंट होना, ये आपने कैसे सोचा और कैसा लग रहा है? सर एक्चुअली ये मेरे लिए चैलेंजिंग है बिकॉज हमारे स्टेट में ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं जो मुझे इंस्पिरेशन मानते हैं, लेकिन मेरा एक सपना है कि मुझे बॉलीवुड में अगर कोई दो लाइन अगर गाने का भी मौका मिले, मेरा सपना यही है। और मुझे ये प्लेटफॉर्म इंडियन आइडल के मंच ही दे सकता है सर, तो आज मैंने अपनी इज्जत दांव पे लगा के यहाँ पे मैं इंडियन आइडल पे आया हूँ सर। मैं आपके मतलब करेज की दाद देता हूँ, आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ और आप लंबी सांस लेके तैयार हो जाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। तेरे साथ चल रही है करना, तुमसे मेरा जी न मरना, तुम चल रहे हो तो सांसें मेरे साथ चल रही है। ओ हम सफर, ओ हम नवा, बेशक तेरा हुआ। कोई कुछ बोलने वाला है मतलब? जली, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट एट ऑल। थैंक यू सो मच। मेरा भेजा फट गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई डोंट इवन नो व्हाट टू से, लाइक लिटरली जब आपने स्विच किया टू द फीमेल वॉइस, आई वाज लाइक है क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, शॉक वाली, जेन्युइनली शॉक। मैंने बहुत ऐसे आर्टिस्ट सुने हैं जो फीमेल्स जो मेल वॉइस में भी गाती हैं यहाँ पे आए हैं, बट टू डू इट कन्विंसिंगली एंड टू डू इट जहाँ पे गाय की कॉम्प्रोमाइज ना हो, दैट इज सच अ रेयर थिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड आपने कहा शुरू करने के पहले कि आपने अपनी इज्जत दांव पे लगाई है यहाँ पे आने के लिए, मैन ग्रेट मूव। आई थिंक पूरा देश आपकी आवाज को चाहेगा, आपकी सर, थैंक यू सो मच, आपकी आवाजों को चाहेगा। इनक्रेडिबल, यू आर इनक्रेडिबल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से तो बिल्कुल यस है और सुपर यस है, एंड यू आर फैबुलस, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, हिस्टोरिक, अनबीटेबल, एंड आज तुम्हारा स्टेट तुम्हारे लिए इट्स गोइंग टू बी वेरी प्राउड। योपन, क्या बात क्या है? सर मैंने इस मुकाम तक पहुंचने में बहुत ठोकरें खाई है और बहुत मैंने मेहनत की है।
और हालांकि सर मैंने सीखा नहीं है, ऑनेस्टली मैं बताऊंगा मैंने सीखा नहीं है. कमाल. और मुझे अगर बॉलीवुड में इंडियन आइडल के जरिए अगर दो लाइन भी अगर गाने का मौका मिले तो हमारे स्टेट के लिए, हमारे अरुणाचल के लिए एक एक ही सर. पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम जो बॉलीवुड बार बार कह रही हो ना, बॉलीवुड में तो तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन आज के जमाने में म्यूजिक अपनी एक अलग इतिहास रचने जा रहा है और बहुत ही बड़ा चेंज इमीडिएटली शुरू हो गया है बेटा. इंडियन आइडल का इतना बड़ा मंच सीधा तुम हो, पब्लिक हो और तुम्हारा गाना है और तुम सुपरस्टार हो. क्या बात. आपको बिग बिग वेलकम. हियर यू गो.